हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज मैं आपके साथ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए आई हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी डाइट में एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर, उस पर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाती है, या फिर हम बीएड करें या डीएलएड करें, इसके अलावा क्या डीएलएड के साथ हम ग्रेजुएशन साथ साथ कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं आज क्लियर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो डाइट की कट ऑफ कितनी जाती है, तो अगर मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बात करूँ तो डाइट की कट ऑफ 87 से 85 ऐसे जा सकती है, और इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो 70 तक चली जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा परसेंटेज वाले कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा तो कट ऑफ काफ़ी नीचे भी जा सकती है। इसलिए आप जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में अप्लाई करना, इसके लिए अलग से आपको कोई फीस नहीं लगेगी। आप जब अप्लाई करेंगे उसी टाइम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों डाइट डालना, और जिसमें भी आपका एडमिशन होता है आप उसमें एडमिशन कराइए। आपका जो सेकेंड डाउट था कि डीएलएड वर्सेस बीएड, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपने ट्वेल्थ कर रखा है तो आप डीएलएड में अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप बीएड करिए, क्योंकि बीएड में आपको ज़्यादा क्लास के बच्चों को पढ़ाने का जो है स्कोप मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 के साथ आप प्राइमरी भी पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बस 6th month का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन का रखा है उसके बाद आप आके डीएलएड करते हैं तो फिर आप सिर्फ प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर आपके 2 साल इधर वेस्ट होंगे, और फिर बीएड करने के बाद फिर आपके 2 साल वेस्ट होंगे। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बीएड करिए, और अगर आप 12th पास है तो फिर आप डीएलएड करिए। आपका जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था कि क्या हम डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में। तो मैं इसके लिए आपको एडवाइस दूंगी कि जो डाइट है डीएलएड है वो आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी करें, क्योंकि आप दोनों डिग्री एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आप जो है जब डीएलएड करेंगे तो बस डीएलएड करिए, उसके बाद जो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के होंगे उसको करिए, क्योंकि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपको दोनों डिग्रियाँ दिखानी होगी तो आप सिर्फ अपने आपको डीएलएड ही दिखा सकते हो, आप उस टाइम अपने आपको ग्रेजुएट नहीं दिखा पाओगे, इसलिए आप अलग अलग ही करिए। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि एंड मौके पे आपको वो लोग रिजेक्ट ना कर पाएं, क्योंकि सरकारी डाइट में ऐसा बहुत होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा, और डाइट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आपको चाहिए वो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, और इसके बाद ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जो कि मेरे डाइट की जर्नी के ऊपर जो मैंने क्राफ्ट वर्क किया है उसको शेयर करूँगी, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि डाइट में जाके आप क्या क्या करोगे और कितने क्रिएटिव आप बनने वाले हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।